एक अनपढ़ शख्स जब मरा ना, उसके मरने के बाद जब उसकी कब्र खोदी गई तो कब्र में नूर ही नूर था। गुलाब के फूल उगे हुए थे जिनकी खुशबू से कब्र में इत्र फैला हुआ था। कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बनी हुई थी। खैर, लोगों ने उस अनपढ़ शख्स को दफनाया। तदफीन के बाद वापसी उसी के घर में गए। इस अनपढ़ शख्स की बीवी से लोगों ने पूछा कि आखिर तेरा शोहर कौन सा ऐसा नेक अमल किया करता था जिसकी वजह से उसको इतनी जजा मिली है कि कब्र में नूर ही नूर था, गुलाब के फूल उगे हुए थे, कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बनी हुई थी। मई, बता तो सही कि आखिर कौन सा ऐसा अमल किया करता था तेरा शोहर। तो वो मई कहने लगी, भाइयो, मेरा शोहर तो चिट्टा अनपढ़ था, चिट्टा अनपढ़। वो कोई बाअमल इंसान तो नहीं था। हाँ, उसका एक ऐसा अमल था जो मुझे यकीन है वही अमल मेरे अल्लाह को पसंद आया होगा कि वही अमल मेरे शोहर की बख्शिश का जरिया बन गया। लोगों ने कहा, बताओ तो सही कौन सा ऐसा अमल वो किया करता था। कहा, भाइयो, मेरे शोहर का वो खास अमल ये था कि जब मेरा शोहर फजर की नमाज पढ़ने के लिए उठता था ना, तो वो अपने नन्हे से बेटे को, बच्चे को उठाता था, कहता था, बेटे आओ, जिस मालिक का खाते हैं उसके गीत गाने चलें, अजान की आवाज आ रही है, चलते हैं मस्जिद में, अल्लाह के हुजूर झुकते हैं, बेटा उठ, जिस मालिक का तेरा बाप खाता है, उठ, जिस मालिक का तू खाता है, और चलते हैं उसके गीत गाते हैं, चलते हैं उसके दिए रिजक का शुक्रिया अदा करते हैं। और तो कोई खास अमल नहीं था मेरे शोहर का, मुझे पक्का यकीन है यही अमल मेरे अल्लाह को पसंद आया होगा, मेरे अल्लाह ने मेरे शोहर को बख्श दिया होगा।